पैरालिसिस पेशेंट्स अपने ब्रेन का ध्यान कैसे रखें। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट, और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम पैरालिसिस पेशेंट्स को बार बार एक सजेशन देते हैं कि अपने दिमाग का ध्यान रखो, अपने ब्रेन की एक्सरसाइजेस करो, अपने नॉर्मल एक्सरसाइजेस करो, अपने ब्रेन की एक्टिविटीज़ को बूस्टअप करने की कोशिश करो। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हो, क्योंकि वी ऑल नो पैरालिसिस, स्ट्रोक, ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। जब हमारे ब्रेन में कुछ भी डिसफंक्शन हो जाता है, उसके बाद पैरालिसिस का अटैक आता है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि पैरालिसिस के पेशेंट्स कैसे अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे अपनी मेंटल फंक्शनिंग को इन्हेंस कर सकते हैं, और कैसे अपनी एक्टिविटीज़ में वापस से ग्रोथ पा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, दैट इज़ इंटॉक्सिकेशन। हमें अपने ब्रेन को इंटॉक्सिफाई करना है। कैसे करना है? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, जनरली जब भी श्रेयाज में पेशेंट्स विजिट करते हैं तो उनके घर वाले ये कंप्लेन करते हैं कि पैरालिसिस के अटैक के बावजूद, डाइट प्लान के बावजूद, ये अल्कोहल भी लेते हैं और ये सिगरेट भी लेते हैं। ये कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो हमारे पैरालिसिस के पेशेंट्स करते हैं, यानी आप कर रहे हैं। तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इंटेक कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये सब अपने लाइफस्टाइल से एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में कैफीन, स्मोकिंग, ये सब हमारी मेंटल फंक्शनिंग को डिटोरिएट करती है, मतलब आपके ब्रेन की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा कम करती चली जाती हैं। हमें पहले से ही पता है कि हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है और हम पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी ग्रोथ पे अफेक्ट पड़े। तो आपको हमेशा अपने ब्रेन का ध्यान रखना है और अपने लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना है, जो कि जनरली हम गलती करते हैं। और अगर हमें कोई टोक देता है, पैरालिसिस पेशेंट्स को अगर हम कुछ समझाने की कोशिश एट टाइम्स करते हैं, तो वो बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं और जो उनके रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि स्मोकिंग है, सिगरेट है, ड्रिंकिंग है, ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो फुलफ़िल कर रहे हैं, और अगर हम उसमें भी उन्हें रोक देते हैं तो और ज़्यादा वो इरिटेटेड हो जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेस्ट रिकवरी के लिए आपको ये सारी बैड हैबिट्स को हटाना होगा। सेकेंड, अगर हम बात करें, दैट इज़ हेल्दी साइकिल ऑफ एक्सरसाइजेस। जहाँ पैरालिसिस का नाम आता है, वहाँ ऑटोमेटिकली फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस का नाम भी आता है, लेकिन पेशेंट्स जनरली बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं करते हैं एक्सरसाइजेस पे, क्योंकि उनकी मेंटल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती और वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि उनकी मसल्स को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, और स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी, मसल एक्टिविटीज़ रीगेन कैसे होंगी, वापस एक्सरसाइजेस करके। इस चीज़ का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन, बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ ऑलरेडी पेशेंट्स के पास होता है कि डॉक्टर साहब, हमारी तो मसल्स इतने ज़्यादा वीक हैं, हमारी बॉडी तो हमें सपोर्ट कर ही नहीं है, हम कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं, तो हम एक्सरसाइजेस कैसे करें। लेकिन लेट मी टेल यू, जब आप एक्सरसाइजेस करना शुरू करोगे, जब आपकी मसल ट्रेनिंग होना शुरू होगी, जो भी आपकी मसल्स हैं वो वापस से रीएजुकेट होंगी, वापस से अपना काम याद करेंगी, तो जब हम सभी को पता है, हम नॉर्मल लाइफ में जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगती है, खाना खाने का मन होता है। सेम विद पैरालिसिस पेशेंट्स, जब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी, जिससे हमारी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, साथ ही साथ उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी, जिससे हमारी डाइट पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्सरसाइजेस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप क्या ध्यान रखेंगे कि आपकी एक्सरसाइजेस से क्या आपकी रिकवरी हो रही है, या सिर्फ आप एक्सरसाइजेस ऐसे ही करते जा रहे हो। एक्सरसाइजेस वाइजली चूज़ करेंगे और एक्सरसाइजेस डेली करेंगे। नंबर थर्ड, अगर हम बात करें, दैट इज़ हेल्दी डाइट। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बात की थी, हमें अपने ब्रेन को कैसे हेल्दी रखना है। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए एक पुअर डाइट बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर आपको अपने ब्रेन की एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है आप एक हेल्दी सॉलिड डाइट लीजिए। मतलब पैरालिसिस पेशेंट्स को जनरली हम क्या देते हैं, लिक्विड डाइट्स। हम उन्हें ऐसी डाइट देते हैं जो ईजिली वो ले सके। उसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी में प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो पाती है। तो आप पेशेंट्स को हेल्दी डाइट देंगे, ये नहीं कि सिर्फ पूरे टाइम आप लिक्विड्स ही दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉडी में वीकनेस आती चली जाती है और पेशेंट्स की रिकवरी बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल, बहुत ज़्यादा स्लो होती चली जाती है, जिससे पेशेंट्स इरिटेटेड होते हैं। और जब पेशेंट्स इरिटेटेड होते हैं, उन्हें ना एक्सरसाइजेस करने का मन करता है, ना बात करने का मन करता है, ना ही वो दवाइयाँ लेते हैं, क्योंकि उन्हें असर नहीं दिख रहा होता। तो आपका डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी रिकवरी कैसे होने वाली है।
क्योंकि अगर हम बैड डाइट लेंगे तो हमारे मेंटल एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हमारे ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशियस अमाउंट नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप एक बेस्ट डाइट लें एंड एक हेल्दी डाइट लें। अगला अगर हम बात करें, दैट इज़ प्रॉपर वॉकिंग। हम पेशेंट्स को जब भी वॉक करने के लिए बोलते हैं या फिर उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप वॉक करो, तो वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाऊँगा, मेरी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, मैं अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप खुद से खड़े हो जाओ, आप खुद से वॉकिंग करना शुरू कर दो। आप सपोर्ट ले सकते हो, आप अपने थेरेपिस्ट का सपोर्ट लीजिए, आप अपने घर वालों का सपोर्ट लीजिए, लेकिन वॉक करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। क्योंकि इसको हम थोड़ा सा अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं, आप पूरे दिन लेटे हुए हो बेड पे, तो आप कैसे रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हो? आपकी मसल्स मूव नहीं हो रही हैं, और जब मसल्स मूव नहीं हो रही हैं तो आपकी ब्रेन एक्टिविटीज़ इनहेंस नहीं हो रही हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी को पता है, ब्रेन कमांड देता है तभी तो हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो जब आप ना तो आपका ब्रेन कमांड दे रहा है, ना आप खुद से कोई एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो, तो रिकवरी कैसे होगी? तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक्सरसाइजेस भी करनी है, आपको ध्यान रखना है अपनी चीज़ों का, आपको बहुत ज़्यादा इंगेज रहना है। मतलब अगर आपको कोई एक्सरसाइजेस नहीं भी करा रहा है, तो आपको खुद से इनिशिएटिव लेना है कि आप मुझे एक्सरसाइजेस करनी है, मुझे ऐसे चलना है, मुझे ऐसे एक्सरसाइज करनी है, मुझे ऐसे वॉक करनी है, मुझे यहाँ अपनी जगह से उठ के वहाँ पे बैठना है। ये सारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आपकी पैरों की मसल्स बूस्ट अप होती हैं और आपकी पैरों की मसल्स अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं और मसल्स री एजुकेट होती हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ स्लीप। हम बहुत बार पैरालिसिस पेशेंट्स को सिर्फ और सिर्फ आराम करते हुए देखते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है, और बहुत सारे पेशेंट्स को एज वेल एज केयर टेकर्स को नहीं पता होता कि हमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम की कंडीशन में नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा रेस्ट पेशेंट्स को नहीं देना है। आप स्लीप लीजिए, आप नैप लीजिए, लेकिन हेल्दी नैप। अगर आप दिन में सोते हैं हार्डली 30 मिनट्स टू 1 आवर, और अगर आप रात में सो रहे हैं तो रात में प्रॉपर आप 6 से 7 इवन 8 घंटे की नींद भी ले सकते हैं। क्योंकि हम जब भी पेशेंट्स को सुबह उठाते हैं तो हम चाहते हैं कि पेशेंट हेल्दी रहे, पेशेंट रिफ़्रेश महसूस करे, ना कि हम ज़बरदस्ती पेशेंट को सुबह उठा देते हैं, उसके बाद वो इरिटेटेड होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, और वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं। रात को आप टाइम से सोइए, सुबह आप अपनी मर्ज़ी से उठिए, लेकिन दिन में आपको कोशिश करनी है कि आप बहुत ज़्यादा ना सोएं। क्योंकि जब भी हम सोते हैं हमारी मसल्स भी रिलैक्स रहती है और हमारा ब्रेन भी रिलैक्स रहता है। बट हम पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, हमें रिकवरी चाहिए, तो हम रिकवरी कैसे लेके आ सकते हैं? अपने ब्रेन की एक्टिविटीज़ को बढ़ा के। और ब्रेन की एक्टिविटीज सोते हुए तो ऑब्वियसली नहीं बढ़ेंगी, तो आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप इंगेज रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है और आपकी मसल्स के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ आपके रिकवरी के लिए भी अच्छा है। जितने भी मैंने पॉइंट्स आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं, वो सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी पैरालिसिस की रिकवरी को बहुत स्मूथ और बहुत रैपिड बना देंगे। ये कुछ ऐसी गलतियाँ भी साथ में हमने डिस्कस की हैं जो पैरालिसिस पेशेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल होती चली जाती है, और पेशेंट्स फिर यही कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हम ठीक ही नहीं हो रहे हैं, हमारी रिकवरी नहीं हो रही है। आई होप वीडियो में जो भी मैंने बातें शेयर की हैं आप सभी को समझ आई होंगी। अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी ऐसी क्वेरी है, कोई भी ऐसा हिट पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, या कुछ भी आपके माइंड में ऐसा स्ट्राइक हुआ कि ये मुझे नहीं समझ में आया या ये मुझे समझना है, तो आप डायरेक्टली नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली श्रेयास में आके मुझसे भी मिल सकते हैं, और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर्स की टीम से आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।